बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और बेटे विकास भगत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सुशीला तिवारी अस्पताल में कराए गए भर्ती। विकास के संपर्क में रहे लोगों ने खुद को किया आइसोलेट। उत्तराखंड में हुआ कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में आए 588 नए मरीज। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 17,865 पहुंची है। प्रदेश में अब तक 239 लोगों की हुई कोरोना से मौत। घर में खुदाई के दौरान मिले एक ही परिवार के चार कंकाल। दामाद ने पत्नी के साथ मिलकर जायदाद के चक्कर में उतारा सबको मौत के घाट। पुलिस ने बेटी और दामाद को किया गिरफ्तार। नदी किनारे पानी पीने गई गाय नदी में फंसी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर किया रेस्क्यू। घंटों बाद गाय को निकाला गया सुरक्षित। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, हॉकी के मैदान में अपरिमित कला, अद्भुत पराक्रम, अनुपम ऊर्जा से प्रेरित प्रदर्शनों से देश को गौरवान्वित करने वाले पद्म भूषण हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर सीएम योगी ने भी ट्वीट करके कहा कि वैश्विक खेल जगत में भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक हॉकी स्पर्धा के विभिन्न विश्व विजय अभियानों के शिल्पकार विश्व हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर कृतज्ञतापूर्ण नमन। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भी सहकारिता भवन स्थित आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं मिला है। इस दौरान करीब 90% कर्मचारी भी अनुपस्थित रहे। राजेंद्र कुमार ने कहा कि कार्यालय समय पर अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अनुपस्थिति होना यह दर्शाता है कि कार्यालय में अनुशासनहीनता है एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव है, जिसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और अनुपस्थित पाए गए अधिकारी और कर्मचारी के वेतन में कटौती के साथ साथ विभागीय कार्रवाई अलग से की जाएगी। राजेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर शीलता एवं अनुशासन का पालन करें और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं को सुनकर उनका तत्परता से निस्तारण करें। बुलंदशहर में डीएम के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक संजय शर्मा गौशाला अव्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। बिस्तर चारपाई खाने के साथ धरना करने पहुंचे। कानपुर देहात में कोविड मरीजों का मस्ती का वीडियो वायरल। कोविड मरीज डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिलाधिकारी और कोरोना योद्धाओं की तारीफ हो रही है। सरकार की लाख चेतावनी के बावजूद कोरोना महामारी को लेकर सुल्तानपुर में सरकारी विभाग भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्री विभाग में 6 बजे के बाद भी जमीनों की रजिस्ट्री की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच में काशी में तंत्र साधना सीखने आई अमेरिकन महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमेरिकन महिला दशामेध थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस में ठहरी। वाराणसी पुलिस ने महिला की मृत्यु की सूचना दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को दी है। पुलिस ने को गेस्ट हाउस वालों ने बताया कि अमेरिकन महिला मां काली की उपासक थी और बनारस में रहकर तंत्र साधना सीख रही थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। नोएडा पुलिस ने एक ऐसी कंपनी का भंडाफोड़ किया है जो ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली प्रोजेक्ट बनाती थी और एक शिकायत मिलने पर जब नोएडा पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी के प्रोडक्ट की हूबहू नकल कॉपी वहां पर बनाई जा रही थी। हारपेट सर्फ एक्सेल डिटॉल जैसे तमाम प्रोडक्ट्स से जिनकी नकली कॉपी करके पूरे मार्केट में बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी का नकली सामान बरामद किया।
गाजियाबाद के मोदीनगर की हापुड़ रोड स्थित मोदीपोन पुलिस चौकी में निकला है कोबरा। पुलिस कर्मचारियों के बैरक में कोबरा निकला है सांप, यानी कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को जंगल में छोड़ा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा नहर मूर्ति विसर्जित करने आए युवक कपिल की नहर में डूब गया है। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी है। जालान के कोटरा थाना क्षेत्र में ग्राम छिरावली में पति ने मायके जाने से मना किया तो महिला ने आक्रोश में आकर अपनी दो नाबालिग पुत्रियों की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना आरोपी महिला के पति ने थाना पुलिस को दी है। जालान महिला ने दो नाबालिग बेटियों की गला दबाकर हत्या की। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला घर में अकेली थी, पति महिला को मायके जाने से रोका जिससे आक्रोशित महिला ने दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या की। कोशामी में एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करारी थाना के चिमीरचा गांव का है, जहां जमीनी विवाद में लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आए कालाडूंगी के मेथीसह नाले में एक वेगनार कार तेज बहाव में बह गई। कार सवार रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे, हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के चलते बचा लिया गया। विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर बना गाना तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि हमें नहीं चाहिए ऐसा चैंपियन जो हमारे उत्तराखंड को गाली दे। तिहरे जिले की घनसाली के नीलच्वामी नदी में पानी पीने गई गाय अचानक से उफनती नदी की तेज धार में बह गई है। नदी की तेज धार में फंसी गाय की सूचना स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ टीम को दी। एनडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस गाय को नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया है, और साथ ही दो जवान जान जोखिम में डालकर कमर में रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धार में उतर गए और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर, पुलवामा में सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान भी शहीद। शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी ने सरेंडर किया था। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 7 आतंकियों को मार गिराया। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन का कैंसर की वजह से निधन हो गया है। आपको बता दें, निधन की खबर सुनकर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक शोक की लहर में डूब गया। चलिए अब खबरें विस्तार से, रुक करेंगे हल्द्वानी से बड़ी खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। कोरोना जांच में भगत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही बेटे विकास भगत की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बड़ी और अहम जानकारी, 3 दिन से विकास भगत को बुखार भी था। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं विकास भगत। विकास के संपर्क में रह रहे लोगों को खुद को उन्होंने आइसोलेट भी कर लिया है, जो लोग भी उनके संपर्क में आए। तो ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है। बंशीधर भगत ने ये जानकारी दी है ट्वीट के जरिए। तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि मैं सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, पिछले सप्ताह में मेरे संपर्क में जो भी आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें। तो बड़ी और अहम जानकारी हल्द्वानी से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव। कोरोना जांच में भगत की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव और साथ ही ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा कल कोरोना वायरस के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि जो लोग भी पिछले सप्ताह मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया अपने आप को आइसोलेट कर लें, परीक्षण कराएं।
आप सभी के आशीर्वाद से पुनः आपके बीच जल्द ही लौटूंगा। ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं बंसीधर भगत का, जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। वे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं भगत और सीधे तौर पर ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है, फिलहाल स्थिति क्या? बंसीधर भगत जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कल शाम उनका जो बेटे थे वो भी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से उनकी सैंपल उनका लिया गया था और आज सुबह जो रिपोर्ट है वो उनकी पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि उन्होंने सभी भाजपा के कार्यकर्ता और विधायक गणों से अपील की है कि जो भी एक सप्ताह के अंदर उनसे मिलने आए, जिन बैठकों में जो भी लोग उनके साथ शामिल रहे, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, उन सबसे आइसोलेट होने की अपील उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ठीक होकर मैं वापस भी आऊंगा। हालांकि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ रही है। और अब जो आंकड़ों के साथ है, कई बड़े चेहरे भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद बंसीधर भगत का पॉजिटिव होना तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ाती है भाजपा के लिए, क्योंकि लगातार पिछले एक सप्ताह से बंसीधर भगत जो बैठकें हैं भाजपा की वो कर रहे थे। चाहे कोर कमेटी की बैठक की बात की जाए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, संगठन मंत्री मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक वहां मौजूद थे, तो कहा जा सकता है कि कई बड़े चेहरे उस मीटिंग में मौजूद थे। साथ ही जो सांसद है अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत, सभी लोग उस बैठक में मौजूद थे, तो कहा जा सकता है कि उन्हें भी आइसोलेट होने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर कमेटी के बाद ये है कि वो कई ज्यादा लोगों के संपर्क में भी आए थे। इससे पहले हमने देखा था एक बैठक में भी वो शामिल हुए थे। समस्या इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि कई लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि जो उनके पुत्र थे, उनका गृह प्रवेश देहरादून का जो सरकारी आवास है उसमें हुआ था, और उन्होंने एक कार्यक्रम भी उस पार्टी को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री, साथ ही संगठन के बड़े पदाधिकारी भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम था वो कोर कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें खुद बंसीधर भगत थे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक थे, मुख्यमंत्री थे, अजय भट्ट सांसद थे, तीरथ सिंह रावत सांसद थे, संगठन के बड़े मंत्री सांसद, शाम ही जो प्रभारी है श्याम जाजू वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन उसके अगले दिन की बात करें तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ज्वाइनिंग उन्होंने अपने आवास पर कराई थी, भव्य कार्यक्रम उसको उसके लिए भी किया गया था और काफी ज्यादा लोग उस दिन भी उनके आवास पर मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि लगातार बंसीधर भगत पिछले एक सप्ताह से बैठकों में मौजूद थे, जिन बैठकों में कई भाजपा के नेता विधायक मंत्रीगण भी मौजूद थे, और इसके साथ ही लगातार उन्होंने इसीलिए सभी लोगों से अपील भी की है कि जो भी एक सप्ताह में उनके संपर्क में आए वो आइसोलेट हो, क्योंकि कल जो मोर्चा है उत्तराखंड के, चाहे युवा मोर्चा हो और भी अन्य जो मोर्चा है, सभी की एक बैठक उन्होंने अपने आवास में की थी। तो कहा जा सकता है कि लगातार वो सभी भाजपा के नेताओं के संपर्क में थे, पत्रकारों के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और जो उसके साथ ही जो बड़े नेता या बात के केंद्रीय मंत्री, उनके संपर्क में वो पिछले एक सप्ताह में आए थे, तो उनको आइसोलेट होने की जरूरत है, कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत है। लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस किस में अभी तक पॉजिटिव उनकी सैंपल्स आए हैं, क्योंकि बंसीधर भगत के अलावा और अन्य लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब चिंता बढ़ती भी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही जो सरकार है उनका कहना था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, एक दूसरे से लगभग एक गज की दूरी पर खड़े हों, लेकिन क्योंकि भाजपा के जो भी कार्यक्रम हो, चाहे बैठक हो या फिर कुंवर सिंह चैंपियन की ज्वाइनिंग की बात करें, तो सब एक साथ खड़े हो रखे थे और एक साथ चिपक चिपक के खड़े थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण होने का जो खतरा था वो मेरे हिसाब से और अधिक बढ़ता हुआ नजर आता है। जी सुभाष, तो अस्पताल में भर्ती है वो? जी बिल्कुल, अभी तक उनका अपने आवास जो उनका है यमुना कॉलोनी, वहाँ वो आइसोलेट हुए हैं, और जब से उनकी रिपोर्ट आई है उसके बाद से उन्होंने एक अलग सा कमरा जो है उसके अंदर ही वो आइसोलेट हो रखे, और जो उनके पुत्र थे वो हल्द्वानी के जो उनका घर है वहाँ आइसोलेट हुए हैं। हालांकि उन्होंने अब किससे मिलने से पूरी तरीके से मना कर दिया और अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में अभी तक आए थे, चाहे वो उनके स्टाफ रहा हो, ड्राइवर रहा हो, गनर रहा हो या फिर उनके पीए रहे, सभी से अपील की है कि सभी लोग आइसोलेट हों और कहीं ना कहीं अपने कोरोना की जाँच कराएं। सुभाष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने जानकारी दी कि इससे पहले भी उन्होंने अपने आवास पर एक कार्यक्रम रखा था, वहां पर उस दौरान कौन कौन लोग मौजूद थे, कौन से ऐसे मंत्री या नेता वहां पर मौजूद थे? क्योंकि एक बड़ी समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है कि अगर तमाम मंत्रियों को, नेताओं को कोरोना जो उनकी रिपोर्ट है पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसे में काम सीधे तरीके से प्रभावित होगा।
जी बिल्कुल, काम जरूर प्रभावित होगा क्योंकि अभी सैंपलिंग शुरू कर दी होगी उन सभी लोगों ने जो भी उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके गृह प्रवेश के दिन उनके घर में मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल उनके घर में मौजूद थे, संगठन मंत्री उनके घर में मौजूद था, लगभग सभी विधायक मंत्री उनके आवास पर उस दिन मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह में सभी सरकार के जो भी बड़े नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, सभी के संपर्क में बंसीधर भगत रहे हैं, तो उन सभी को आइसोलेट होने की जरूरत है, साथ ही उनको अपने कोरोना जांच कराने की भी जरूरत है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किस किस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण फैला है। आपका तमाम जानकारी देने के लिए तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अपने आप को भी आइसोलेट कर लिया है और तमाम लोगों से अपील भी की है, जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना संक्रमण के चलते कोषागार एआरटीओ को भी बंद किया गया है, तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चार दिन रोड़ी बेलवाला चौकी से चलेगी नगर कोतवाली, सरकारी कार्यालयों में पॉजिटिव आने के बाद ये कार्यालय बंद कर दिए गए हैं और एक दिन में हरिद्वार में कोरोना के 183 नए मामले सामने आ गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना का असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें, कोरोना संक्रमण के चलते कोषागार एआरटीओ को भी बंद कर दिया गया, बैंक सीएचसी ज्वालापुर सहित नगर कोतवाली को भी बंद किया गया। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार कोरोना का कहर जारी है, इसके चलते अब सरकारी कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है, कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ ताजा आंकड़े? बिल्कुल प्रीति, देखिए कि एक दिन की बात करें तो हरिद्वार में 183 नए मामले हरिद्वार में आए हैं और अब पहले तो गली मोहल्ले पाबंद थे और बंद थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में बहुत तेजी से अब कोरोना पैर पसारने लगा है। और आज अगर हरिद्वार जनपद की बात करें तो कोषागार यहां पर पाबंद किया गया है, एआरटीओ दफ्तर यहां पर पाबंद किया गया है और सीएचसी ज्वालापुर का जो कार्यालय है स्वास्थ्य केंद्र का, उसे वहां पर बंद किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शहर कोतवाली है उसे भी कल यहां पर पाबंद कर दिया गया है, अगले चार दिन वो पाबंद रहेगी और उसकी ही शहर कोतवाली की रोड़ी बेलवाला चौकी है वहां से कोतवाली का जो काम काज है उसका संचालन किया जाएगा। तो बहुत तेजी से हरिद्वार जनपद में इस समय कोरोना फैल रहा है और 183 एक दिन में मामले आने से हड़कंप कह सकते हैं पूरी तरह से मचा हुआ है। और अभी तक जो गली मोहल्लों में ये कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब सरकारी दफ्तरों में भी तेजी से फैलना शुरू हो गया है, जो हरिद्वार के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, हालांकि तमाम अपीलें और कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है धर्मेंद्र कि वाकई कहीं ना कहीं आम जनता की भी लापरवाही सामने आ रही है, यही वजह है कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही है, लोग अगर अब भी बात करी जाए तो हालांकि प्रशासन ने यहाँ एसएसपी हरिद्वार ने कल सभी थानों की मीटिंग करके उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि लोगों के जो अगर बिना मास्क के मार्केट में निकलते हैं तो उनके ज्यादा से ज्यादा चालान काटे जाएं और लोगों को जागरूक भी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार की स्थिति देखेंगे तो दुकानों में बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं दिखाई देता है, लोग एक के ऊपर भीड़ में चढ़े रहते हैं, तो उसकी भी एक वजह है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग बचाव जो एहतियातन जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यही एक वजह भी है जिसकी वजह से कोरोना के नए मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला है, बीते 24 घंटे में आए हैं 588 नए मरीज। बड़ी और अहम जानकारी आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं, उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 17,865 के पार पहुंची है, प्रदेश में अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, यानी कि अब तक 12,124 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। लगातार कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि सीधे तौर पर लगातार तमाम अपीलें की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है स्थिति को और भी ज्यादा चिंताजनक बना रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें देश दुनिया के साथ, देश और जिलों में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है और आंकड़ों में तेजी से इजाफा होना यानी कि एक बड़ी समस्या यहां पर खड़ी हो रही है, कोरोना का कहर लगातार जारी और इसकी चपेट में अब उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है, बीते 24 घंटे में 588 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 17,865 पहुंची है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, उत्तराखंड में भी कोरोना विस्फोट, लगातार आंकड़ों में इजाफा, क्या कुछ ताजा अपडेट?
उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो कल के जो आंकड़े थे 588 नए मरीज कोरोना संक्रमण के मिले हैं, 11 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि देहरादून जिले के अंदर पहली बार कल 185 कोरोना के मरीज मिले, जो अब तक का अपना एक रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं आज सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो 17,865 टोटल मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि 12,124 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो देहरादून जिले में 185 कोरोना के संक्रमण के मामले निकल कर आए। इसके साथ ही अगर बात की जाए हरिद्वार में 130, उधम सिंह नगर में 72, चमोली में 58, नैनीताल में 55, टिहरी में 26, पौड़ी में 18, अल्मोड़ा जिले की अगर बात करें तो वहाँ 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत, वो कोरोना संक्रमण जो पाए गए हैं, और जब वो कोरोना संक्रमण यहाँ पर पाए गए तो चिंता की जो लकीरें वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माथे पर दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और आदि सरकार बंशीधर भगत के मकान के प्रवेश के दौरान वहाँ पर मौजूद थी। साथ ही पूरा मीडिया और हम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिस तरह से बंशीधर भगत और उनके बेटे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो निर्देश ये दिए गए हैं कि यहाँ पर जो तमाम पत्रकार वहाँ पर उस दौरान मौजूद है उनका भी यहाँ पर एडिट टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, जो तमाम जो मंत्री वहाँ पर मौजूद है उनका भी टेस्ट कराने की तैयारी यहाँ पर इस वक्त चल रही है। नहीं रतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सचिव पद पर अब नियुक्त कर दिया गया है, और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून से, जहां पर उत्पल कुमार सिंह को सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है नियुक्त। तो लोकसभा सचिवालय में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं देहरादून से, जहां उत्पल कुमार सिंह को सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी, उत्पल सिंह को अब सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी उत्तराखंड के लिए शुभद है, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने यहाँ पर अपना जो कार्य है एज अ मुख्य सचिव के रूप में बहुत ईमानदारी के साथ किया। कर्मच और निष्ठावान अधिकारी रहे। कहा यह जा रहा था कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार उन्हें कहीं पर कुछ ईयर दे सकती है, उन्हें कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद दे सकती है उनके रिटायरमेंट के बाद। लेकिन तभी यह सुखद समाचार यहाँ पर आया, जानकारी है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने लोकसभा सचिवालय में सचिव पद पर उनको नियुक्ति दी है। बताया जा रहा है कि उनकी ईमानदारी कर्मठ अफसर के नाते ही उत्तम कुमार को यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ने, ओम बिरला जी ने यहाँ पर सचिवालय में सचिव पद पर नियुक्त किया है। तो एक खुशी की बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की बात की जाए, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की बात की जाए, इन्होंने यहाँ पर पूर्व मुख्य सचिव उत्तम कुमार को शुभकामनाएं दी है। वहीं जो जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें बताई है, जो हमारी बात की है, यहाँ पर उन्होंने साहब को कहा है कि उत्तम कुमार साहब ने कहा है कि जो मैंने कार्य ईमानदारी के साथ मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड में किया, अब मैं मुख्य सचिव माफ कीजिएगा, मैं सचिव के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो ज्वाइनिंग वहाँ पर कराई है, सचिव की पद पर नियुक्त किया, वहाँ पर ईमानदारी कर्मठ निष्ठा के साथ कार्य करते हुए आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। बिल्कुल रतन, एक साफ छवि उनकी दिखाई दी है हमेशा से, और यही वजह की अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में अगर बात की जाए, जब से त्रिवेंद्र रावत की सरकार बनी, हाँ यहाँ अगर बात करते हैं हम 18 मार्च की बात करते हैं 2017 से लेकर आज तक की अगर बात की जाए, अब भले ही राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश है, लेकिन 3 सालों की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ में के पुनर्निर्माण के कार्यो का, वहाँ जो तमाम कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल रतन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में। आज घर में खुदाई के वक्त 4 कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार ये कंकाल एक ही परिवार के 4 लोगों के हैं, जिन्हें घर की बेटी और दामाद ने लालच के चलते मारकर घर में ही दफन कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी नरेंद्र गंगवार और लीलावती उत्तर प्रदेश के मीरगंज जिले में अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए, जिसको लेकर मृतक हीरालाल की जमीन के केयर टेकर को उनके गुमशुदगी का शक हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने रुद्रपुर पुलिस को भी दे दी। जब पुलिस ने हीरालाल की बेटी और दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो लालच में अंधे हो चुके बेटी और दामाद की यह करतूत निकलकर सामने आई है। तो दामाद और बेटी ने लालच के चलते ये घिनौना कदम उठाया। जायदाद के चक्कर में रिश्ते पूरी तरीके से शर्मसार हुए हैं। घर के अंदर ही 4 कंकाल बरामद किए गए हैं, तो घर में यह कंकाल निकला है, इलाके में हड़कंप है, और बेटी दामाद ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो घर में 4 कंकाल बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोगों के गुम होने के संबंध में एक सूचना हमें डायल 112 से मिली थी
जिसको हम लोगों ने जांच की और इस बारे में जानकारी की तो ये पता चला कि एक यहाँ पे दामाद हैं नरेंद्र करके, नरेंद्र के ससुर हीरा लाल, उनकी सास हेमावती और उनकी दो सालियाँ दुर्गावती और पार्वती, कि ये पिछले एक डेढ़ साल से मिसिंग थी। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे आकर के मुलजिमों की निशानदेही पे यहाँ पे आकर के हमने उस गड्ढे को खुदवाया है जहाँ पे डेड बॉडी इनके द्वारा बताया गया था कि डिस्पोज किया गया है, वहाँ से उसकी जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो रिकवर हो रही हैं। अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन। टिहरी के घनसाली के नेल चामी नदी में पानी पीने गई गाय अचानक से उफनती नदी की तेज धार में बह गई है। नदी की तेज धार में फंसी गाय की सूचना स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस को दी है और सूचना मिलते ही टीम वहां पर पहुंची। पुलिस वहां पर पहुंच गई और गाय को नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू भी किया गया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के दो जवान जान जोखिम में डालकर कमर की रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धार में उतर गए और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय को निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।